पापे की कहानियाँ मस्ती में बोलो। आज पेपा और जॉर्ज ग्रैनी और ग्रैंडपा पिग के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। लगभग हो गया। पेपा पहली बार पिकनिक के पैकिंग की जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या तुम ठीक हो पेपा? ये सारे खिलौने पिकनिक के लिए ले जाने हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आ रहे। क्या तुम्हें अपने सारे खिलौने चाहिए? समझ गई, मैं इनकी जगह बस टेडी को ले जाती हूँ। और डायनासोर। शानदार, अगर हम तुम्हारे सारे खिलौने ले जाएंगे तो हमारे पास खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। पिकनिक के लिए तुम कैसा खाना बनाना पसंद करोगी पेपा? ओह, चलो स्पगेटी बनाते हैं। मुझे स्पगेटी पसंद है। पिकनिक के लिए स्पगेटी उतना भी अच्छा खाना नहीं है। सैंडविच कैसा रहेगा? मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है। तुम्हें किस तरह का सैंडविच पसंद है? पेपा, जॉर्ज और ग्रैनी पिग जैम सैंडविचेस बना रही है। क्या हमें पिकनिक के लिए कुछ और चाहिए पेपा? हमें पिकनिक के लिए आरामदायक कंबल चाहिए। क्या आप ला सकते हैं ग्रैंडपा? अभी लाया पेपा। अरे यार, जैम सैंडविचेस बनाने में काफी उथल पुथल मच जाती है और उथल पुथल को साफ करने में और भी उथल पुथल मच गई है। कोई बात नहीं, अगर जैम ना गिरे तो जैम सैंडविच कैसे बनेगा? पेपा की सैंडविचेस तिकोन है, हो गया। और जॉर्ज की डायनासोर है। कंबल रख लिया। क्या हमें कुछ और चाहिए पेपा? हमें अपने ऑरेंज जूस के लिए कप्स चाहिए। शाबाश पेपा, लगता है हम जाने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत मजा आने वाला है। अरे यार, बारिश हो रही है। बारिश में पिकनिक उतनी मजेदार नहीं लगती। लगता है हमें आउटडोर पिकनिक के लिए इंतजार करना होगा पेपा। लेकिन क्यों ना हम इसकी जगह इंडोर पिकनिक मनाएं? पेपा ने तय किया कि वो अपने घर में पिकनिक मनाएगी। अब हम कभी भी पिकनिक मना सकते हैं, चाहे बारिश हो रही हो तभी भी। और मैं अपने सारे खिलौने ला सकती हूँ। पिकनिक। सभी को पेपा की पिकनिक बहुत अच्छी लगती है और पेपा को उनके लिए पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज ने मम्मी और डैडी पिग के बड़े बड़े कपड़े पहनने का फैसला किया है। अरे रे, ये दो बड़े लोग हमारे बेडरूम में कर क्या रहे हैं? मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं पेपा हूँ और वो जॉर्ज है। वैसे तो तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, पर तुमने हमारे कपड़े क्यों पहने हैं? हम आज अपने कपड़े खुद चुनना चाहते हैं। वैसे तुम बहुत बड़ी लग रही हो। मुझे लगता है कि हमारे कपड़े तुम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हाँ, ये थोड़े से बड़े हैं। ये कपड़े ज्यादा फिट हो रहे हैं। पेपा और जॉर्ज ने इसके बजाय अपने कपड़े पहनने का फैसला किया है। अब तुम्हें पक्का करना होगा कि तुम मौसम के मुताबिक सही कपड़े चुनो। आज काफी धूप और गर्मी है। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी धूप में ये कपड़े अच्छे रहेंगे? नहीं, वो कुछ ज्यादा ही गर्म है और थोड़े भारी। पेपा और जॉर्ज को गर्मी में पहनने के लिए कुछ कपड़े मिले हैं। ये ज्यादा बेहतर है। आज तुम लोग जो करने वाले हो उसके हिसाब से तुम्हें सही कपड़े चुनने होंगे। हम प्ले ग्रुप जा रहे हैं, लेकिन पहले हम कीचड़ भरे गड्ढे में कूदना चाहते हैं। अरे बाप रे, पेपा और जॉर्ज ने कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने के लिए सही जूते नहीं पहने हैं।
आपको लगता है हमें इसके बजाय जूते पहनने चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इसके बजाय बूट्स पहनने चाहिए। शानदार आइडिया है। क्या हम तैयार हैं? लगभग। बस मैं कुछ चीजें और आजमा लूं। हेलो प्यारे बच्चों। सुंदर हैं पेपा और जॉर्ज। इन्होंने अपने कपड़े खुद चुने हैं। और वो जूते? अगर आप कीचड़ वाले छोटे से गड्ढे में कूदना चाहती हैं, तो आपको अपने जूते पहनने होंगे मैडम गिजेल। बिल्कुल। पेपा और जॉर्ज को कीचड़ वाले गड्ढों में कूदना बहुत अच्छा लगता है। चलो तो अच्छा हुआ कि आज मैं भी अपने जूते लेकर आई हूँ। सभी को कीचड़ वाले गड्ढों में कूदना बहुत अच्छा। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा, और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है, क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस्टर रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है, कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बुल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बुल। दूसरा नियम है, कोई दौड़ा भागी नहीं।
बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है, सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पापा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बुल। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना किसी नहीं। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है, सूजी शीप रोबोट बनी है, जेरल जिराफ एलियन बना है और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल, हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ। सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं चांद पर? पीप, यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप, चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दानव? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी।
और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बस बस। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ओ, ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पेपा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पेपा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी, जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पेगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी, तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पेपा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिक मेरे पैरों की मालिश करते थे। पेपा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिक की पैर की मालिश मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओ, वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया। आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है, अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है पेपा। चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पेपा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ओह, ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरिन। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है।
जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाए। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है, जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओ डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल, ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा, सिंको डी मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। ओह, हेलो डैडी। हेलो पेपा,
पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओ हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं, एमिली तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेट्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपने सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी न जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी।
हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए आइसक्रीम। आज वैलेंटाइंस डे है। पेपा पिग और जॉर्ज मम्मी और डैडी पिग के लिए खास डिनर तैयार कर रहे हैं। ग्रैंडपा पिग मदद कर रहे हैं। अरे रे, आज हम वैलेंटाइंस डे के लिए खास पिज्जा बना रहे हैं ग्रैनी पिग। क्योंकि वैलेंटाइंस डे का मतलब दूसरों को अपना प्यार दिखाना होता है। मुझे पता है, हम दिल के आकार का पिज्जा बना सकते हैं। चलो अब गूंथे हुए आटे को हवा में उछालते हैं, जैसे वो रोम में करते हैं। पता है रोम इटली में है। जैसे रोम में करते हैं। हम बगीचे से सब्जियां लाकर इसे कवर कर सकते हैं। मम्मी और डैडी पिग को नहीं पता कि क्या चल रहा है। पेपा और जॉर्ज सब्जियों को इकट्ठा कर रहे हैं। पिज्जा पर खूब सारी टॉपिंग्स होने वाली है। चलो सब्जियों को अंदर लेकर चलते हैं। पेपा और जॉर्ज अपने पिज्जा पर सब्जियों को डालते हैं। मुझे पता है कि पिज्जा को और खास कैसे बनाया जाए। हम मम्मी और डैडी पिग का पसंदीदा खाना इसमें शामिल कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया पेपा। उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है? स्पगेटी और चॉकलेट केक। हमें मम्मी और डैडी जैसा दिखने वाला पिज्जा बनाना चाहिए। पेपा और जॉर्ज पिज्जा टॉपिंग से चेहरे बनाते हैं। अब ये वाकई खास है। जॉर्ज। ये रहे आपके एकदम खास वैलेंटाइंस डे पिज्जा। आह, चॉकलेट केक मेरा पसंदीदा। डायनासोर। एक स्पगेटी डायनासोर। धन्यवाद पेपा और जॉर्ज। देखने से ही खाने का दिल कर रहा है। मम्मी और डैडी पिग को लगता है कि वैलेंटाइंस डे वाकई बहुत खास रहा है। पेपा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। गुड बाय सूजी। गुड बाय पेपा। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे। आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। मैं नहीं, हम नहीं करते। वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शीप बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है, चलो पार्क में बैकवर्ड गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड्स डे है, हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स डे आ चुका है।
मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। अरे ओ माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड डे बिताती है। पीछे से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना, लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है, नहीं ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये ओ मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड स्टे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से। ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड डे अब शायद खत्म हो गया है। पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड डे के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। फिर से एक सेब। सब्जियां खाकर मिलने वाली ताकत से मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अब मैं यहाँ हूँ। ये रहा मैं, अब तक का सबसे सुपर सुपर हीरो। और मैं यहाँ आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि सुपर हीरो कैसे बना जाता है। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप सुपर हीरोज के रूप में तैयार हो गए हैं। सुपर हीरो स्कूल की सबसे पहली सीख है ये अपनी सुपर हीरो शक्तियों का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए कुछ बेहतर काम करना है। सूजी शीप दया दिखाते हुए एक कीड़े को छेद करने में मदद कर रही है। फ्रेडी फॉक्स दयालु बनकर पौधे को पानी दे रहा है। और पेपा के दिल में पूरी दुनिया के लिए दया होने के कारण वो निश्चित कर रही है कि सारा कचरा रिसाइकल हो और जमीन पे ना पड़ा हो। आप सब ने अपनी पहली सीख अच्छे से ली। अब सुपर हीरो स्कूल की अगली सीख है मुश्किलों को सुलझाने का कोर्स पूरा करना और मैडम गजेल को सुपर विलन से बचाना। तो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सब इतने थक गए हैं कि दौड़ नहीं पा रहे हैं। हम सबके सांसें फूल रही है। हम तेज क्यों नहीं दौड़ सकते और हम में ताकत क्यों नहीं है? क्या हम सुपर हीरो नहीं है? मैं समझ गया। क्या आज किसी ने कोई फल या सब्जियां खाई है? मेरा आज गाजर खाने का मन नहीं था। और मैंने अपना सेब अपने लंच बॉक्स में छोड़ दिया। वही तो, फल और सब्जियां हमें सेहतमंद रखती है और हमें देती है सुपर एनर्जी। सुपर हीरो में दौड़ने और कूदने के लिए काफी एनर्जी होनी चाहिए। मैडम गजेल ने मेज पर खाने के लिए प्लेट में स्वादिष्ट फल और सब्जियां रखी है। पेपा और उसके दोस्तों ने सारे फल और सब्जियां खा ली है। अब उनके पास काफी सुपर एनर्जी है और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार है। हम आपको बचाने के लिए आ चुके हैं। मेरे हीरोस, मेरे सुपर हीरोस। बधाई हो, आप सभी आज बेहतरीन थे और हर एक सुपर हीरो को हीरो बनने का इनाम मिलेगा। तो बताओ क्या लोगे? क्या कुछ गाजर बचे हैं? फलों और सब्जियों से मिली ताकत से पेपा और उसका प्ले ग्रुप दिन भर काम कर पाया। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्बी वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो।
इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पापा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ। शाबाश पापा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह, सॉरी पापा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी, मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पापा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पापा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज पापा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्दी पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चलें। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पापा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिलडुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। और
आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओह हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? ओ पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओ, मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है। गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है, उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता।
होता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ, सही कहा। हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊ। हाँ बिल्कुल। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ? अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाओ, पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक पसंद आता है।
सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। पेपा पिग की कहानियाँ। आज बिन डे है, इसीलिए मिस्टर बुल शहर के सभी कचरे के डिब्बे लेने के लिए जल्दी उठ गए हैं। लेकिन कल रात मम्मी और डैडी पिग कचरे के डिब्बे बाहर रखना भूल गए थे। मिस्टर बुल इन्हें मत भूलना। क्या टाइमिंग है, तुमने इन्हें रंगीन बिन बैग्स में छांट लिया है, क्या बात है। मिस्टर बुल, बिन बैग अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? देखो, पेपर सिंबल वाला ये लाल बैग है पेपर और कार्डबोर्ड के लिए, और ये नीले बैग जिन पे कैन है ये मेटल के लिए है, और ये हरे वाले जिन पर ग्लास बोतल का सिंबल है ओ, वो कांच फेंकने के लिए है। सही कहा, और अब ये छट चुके हैं और अब हम इन्हें साफ करके इनसे कुछ एकदम नया बना सकते हैं। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। पेपा और उसकी फैमिली बेहतरीन ढंग से रिसाइकलिंग करती है। वैसे मैं अभी रिसाइकलिंग सेंटर पर जा रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। शायद पहले हमें कपड़े बदल लेने चाहिए पेपा। अब पेपा और उसकी फैमिली तैयार है। मिस्टर बुल ने उन्हें पहनने के लिए खास कपड़े दिए हैं। अब आप बन गए हैं बढ़िया वाली रिसाइकलिंग टीम, तो चलें। मिस्टर बुल सभी को रिसाइकलिंग सेंटर पर लेकर आए हैं ताकि सारा कचरा सही तरीके से छांट सके। मैं बैग उठाऊंगा और आप मेरी मदद करेंगे इन्हें सही डिब्बे में छांटने के लिए, ठीक है? पहला है ये वाला। ये हरे रंग की बोतल है, तो ये जाएगी इस हरे रंग के डिब्बे में। बढ़िया। ओह, ये वाला उस नीले वाले मेटल के बिन में जाएगा। सही है। कागज। शानदार। सभी को कचरे में से रिसाइकलिंग छांटने में मजा आ रहा है। टिन के कैन, कांच की बोतलें, न्यूज़पेपर। लेकिन मिस्टर बुल रिसाइकलिंग को छांटते हुए बहुत ज्यादा थक गए हैं। सब हो गया, बहुत बढ़िया टीम। लेकिन एक चीज रह गई। क्या कहा, किधर? लेकिन रिसाइकलिंग के लिए अब कोई भी थैला नहीं बचा है। ये रहा, ये कांच है, इसका मतलब है कि ये इस कांच के बोतल बिन में जाएगी। रुको! नहीं, ये रिसाइकलिंग नहीं है पापा। दिन भर मेहनत करने के बाद ये मेरा इनाम है। आज सभी पेपा के बगीचे में खेल रहे हैं। एमिली एलिफेंट एक बड़े से कीचड़ वाले गड्ढे में फिसल कर गिर जाती है। मॉन्स्टर! नहीं, मॉन्स्टर्स असली नहीं होते, ये एक काटेदार चूहा। कांटेदार चूहा भी कीचड़ में फिसल कर गिर गया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। कांटेदार चूहा कांटेदार बॉल की तरह हो गया है, पर एडमिन जानता है क्या करना है। हमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी, क्योंकि कांटेदार चूहा डर के कटीला हो गया है, तो हमें सावधान रहना होगा। मम्मी पिग, डैडी पिग। मम्मी पिग सबको कीचड़ भरे गड्ढे से निकलने में मदद करने आ गई है, और डैडी पिग कांटेदार चूहे की मदद कर रहे हैं। उनके मोटे दस्ताने उन्हें कांटेदार चूहे की नुकीली पीठ से बचा रहे हैं। आप कांटेदार चूहे को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ मोटा सा कंबल है, तो बढ़िया और आरामदायक रहेगा। कंबल, बहुत बढ़िया। अब सावधान रहना, शायद कांटेदार चूहा थोड़ा सा कांटेदार हो। अरे वाह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी कटीले। कटीले। डॉक्टर हैमस्टर ये चेक करने आए हैं कि कटीला सुरक्षित और स्वस्थ है। मुझे मदद के लिए बुलाने का फैसला सही था। कटीला घूमकर फिर से बॉल जैसा बन गया। कटीला ऐसा क्यों करता है डॉक्टर हैमस्टर?
कांटेदार चूहे डर के मारे बॉल बन जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ओ, तो कटीला डरा हुआ है। यहाँ काफी शोर है ना? अगर हम चुप रहें तो एक टुकड़ा सेब का कटीले को शांत करने में हमारी मदद कर पाए। पेपा और एमिली एलिफेंट जरूरत से कुछ ज्यादा ही सेब ले आए। हुरे! बस खाना और आराम और फिर हम कटीले को गार्डन में छोड़ सकते हैं जब सूरज डूबने लगेगा। हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कांटेदार चूहों को अंधेरा अच्छा लगता है, जिसका मतलब है उन्हें रात में घूमना और दिन में सोना पसंद है। मुझे सब पता है, मैं कितना स्मार्ट हूँ। अरे माफ करना कटीले। सूरज डूब रहा है, इसका मतलब है कि कटीले के घर वापस जाने का वक्त हो गया है। कांटेदार चूहे कहाँ रहते हैं डॉक्टर हैमस्टर? कहाँ? कांटेदार झाड़ी में। बाय कटीले, हमें जल्दी मिलने आना फिर से। सभी को कटीले के साथ समय बिताकर और उसे सुरक्षित घर जाते देखकर अच्छा लगा। मिल गया, ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है, हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। वो लाल या हरे हो सकते हैं। अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है, वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यह संतरे है तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे दादाजी। पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। संतरा। रंग तो सही है लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल, लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है, लेकिन ये कद्दू है। संतरे। आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से, और क्या। ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो, कितना मजेदार होता है।
मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओ, और कुछ ब्रसल्स स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओ, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओ, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेसअप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेसअप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है।